नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। हमेशा चर्चा में रहने वाला मार्वल सिटी हॉस्पिटल का एक और नया कारनामा सामने आया, जहां चेकअप के लिए गई गर्भवती महिला को मार्वल सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा दवाई लिखे जाने पर परिजनों द्वारा हॉस्पिटल में संचालित दवाई दुकान से दवाई लेने पर दवाई दुकानदार द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी गई। जबकि परिजनों द्वारा दवाई को चेक किया गया तो दुकानदार के पास जाकर बताया कि यह एक्सपायरी डेट की दवाई है, तो दुकानदार द्वारा परिजनों से अभद्रता की गई, जिसके बाद पीड़ित द्वारा ओमती थाने में लिखित शिकायत दी गई। कल मार्वल सिटी हॉस्पिटल में आपके साथ क्या घटना हुई, इसके बारे में बताएं आप। जी, मैं प्रेगनेंसी का इलाज करवाने गई थी अमिता शक्सेना मैम के पास। वहाँ मैंने दवाइयाँ लिखवाई और जो दवाइयाँ वहाँ पे लिखी गई थी वो मैंने वहाँ पे दिया, दवाई दुकान में दिया। दवाई दुकान वालों ने मुझे एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ दी। मैं वहाँ तो नहीं देखी, घर आकर दवाइयों को देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट, उसके पहले मैंने नहीं देखा, खा लिया मैंने। मुझे चक्कर आया और अजीब लग रहा था, फिर उसके बाद मैंने दवाइयों को देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ थी। मैंने तुरंत अपने घर के सदस्यों को बताया तो वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, तो उनने अभद्रतापूर्ण उन्होंने बिहेव किया और मान नहीं रहे थे कि ये हमारी दवाई है, लेकिन उनको बिल दिखाया गया कि आपके यहाँ की दवाई, कुछ वहाँ से और भी दवाइयाँ निकली थी लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे वो। आप और ये देखिए वहाँ का, ये है पर्चा और ये है बिल। तो आपने हॉस्पिटल के प्रबंधक से कोई कंप्लेंट की वहाँ पे? जी, फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट कराई उनकी, उनके नाम से। और ये है दवाइयाँ, मैंने एक दवाई खाई थी उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और प्रेगनेंसी की हालत में अगर मैं ऐसी दवाई खाई तो उसका साइड इफेक्ट जो वो हुआ तो उसका जवाबदार क्या मार्वल सिटी हॉस्पिटल या फिर उनका उनकी दवाई दुकान वाले रहेंगे? आपका नाम बताएं। शिल्पा मिश्रा। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।